आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं सिवान से काफ़ी दूर दरौली प्रखंड के मिठैली पंचायत में मिठैली पंचायत में, और इस पंचायत के वार्ड नंबर 6 के जो वर्तमान वार्ड सदस्य हैं सुंदरपति देवी, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं मनोज राम जी। तो इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों में इस वार्ड का कितना विकास इन लोगों ने किए हैं, और सरकार द्वारा जो 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी उस 7 योजनाओं में से कितने योजना का लाभ इस वार्ड की जनता को मिला है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल से। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे पंचायत की तरफ से, जो आप आए और हमारा मतलब आप इंटरव्यू लिए, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो वार्ड जी बताइए हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, जो जनता आपको 5 साल पहले वोट देकर वार्ड चुनी थी, उस जनता के लिए विगत 5 वर्षों में आपने कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं? जी पाँच विगत में 7 निश्चय के तहत हम लोग को फर्स्ट स्टेज में 2018 में नल जल का कार्य मिला था, जो पहले हम लोग को बताया गया था कि PhD के माध्यम से होगा, जो जिनके पास PhD का लाइसेंस होगा वही इसका काम कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा काम मिला, हमने जो है ठेकेदार को दे दिया और काम जो है हुआ है, काम पूरा हुआ है और दो बार भी रिपेयरिंग भी हुआ है, पानी भी चलता है, लेकिन एक जगह लीक हो गया है और कहेंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे। परसों अपने हमारे ठेकेदार है भूषण पांडे जी, उनसे मिले, बोले कि बाबा चलवा दीजिए क्योंकि इतना दिन से पानी चल रहा है और अब चुनाव भी आ गया है तो इस समय पानी नहीं चलेगा तो हम लोग को भी दिक्कत होगा। तो यही काम हुआ है, नल जल का काम हुआ है। बाकी हमारे गांव में रास्ता का बहुत मतलब परेशानी था, अभी भी रास्ता है 1-2 गो, तो बहुत प्रयास किए मुखिया जी से कि हमको एक नली गली के तहत दे दिया जाता तो हम अपने वार्ड में करा लेते, लेकिन मुखिया जी कहते रह गए दे देंगे, लेकिन उसके बाद समय बीत गया और कार्यकाल भी अब खत्म हो गया है। 7 निश्चय योजनाओं में एक नल जल का फंड आपको मिला जी, जिसको आपने करा दी जी, और पानी भी मिल रहा है मतलब पानी मिल रहा है, खाली एक जगह लीक है टंकी के पास, ठीक है तो वहाँ हमने बंद कर दिया है कि यहीं पानी फेंक रहा है। सही बात है। तो वार्ड जी इसके अलावा जो भी गली नली है सोखता है, इसका काम हुआ है? जी सोखता का काम तो अभी तक नहीं हुआ है, नाला का काम हुआ है विधायक मत से हमारे यहाँ, तो परेशानी बहुत था लेकिन अथी हमारे यहाँ के विधायक सचदेव राम है उनसे हमने लगातार बातचीत की, क्योंकि मैं सच बताए मैं भाकपा माले का कार्यकर्ता हूँ तो काफ़ी विधायक जी से हम लोग को नज़दीकी रहता है, आते भी है, उसका फ़ायदा मिला यहाँ के जनता को? हाँ जी फायदा मिला, वो काफ़ी एक वार्ड नंबर 5 है, हम तो वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य है लेकिन माने तो मैं पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इसलिए हमारे गांव का समस्या था तो हमने 5 नंबर में विधायक जी से कहकर बहुत बेहतरीन सड़क का निर्माण और नाला का निर्माण दोनों हुआ, और एक और रामपुर से अथी अपने छठी पसंद देखे हमने कि अभी बीच नहीं हुआ है, रोलिंग किया गया है, आगे चलकर PCC हुआ है तो पीछे हो जाएगा, वो भी मुख्यमंत्री योजना के तहत विधायक जी से हम लोग कहकर, यानी कोई ना पार्टी से जुड़े हुए भाकपा माले से, तो उसका मतलब यहाँ का सपोर्ट करते हैं, जनता भी आपको साथ चलती है और जनता को उसका लाभ आप दिए हैं 5 वर्ष जी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की जब भी ज़रूरत है, किसी भी कोई भी समस्या हो हमारे पास फोन आता है, हम तुरंत जाते हैं और जो भी समस्या है हम सब। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय, इस पर कोई काम हुआ? जी राशन कार्ड पर हम लोगों ने लिया थी जिस समय फॉर्म जमा हो रहा था RTPS काउंटर पर, के बीच में हमने अपने वीडियो से बात की है कि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं जो वंचित है, वीडियो साहब बोले कि दे दीजिए, हमने 20 लोगों का फॉर्म उसमें से चिन्हित करके दिया, जो 20 लोगों का आज राशन कार्ड आया, उसके अलावा जो सिस्टम है सरकार का बनाने का उस सिस्टम के तहत भी राशन कार्ड आया है, अभी भी लोग यहाँ वंचित है जो नहीं आया है, देने के बावजूद नहीं आया है, उसके लिए भी हम लगातार बातचीत करते रहते हैं अपने वीडियो से और यहाँ के प्रशासनिक। तो क्या इसमें जो कार्य हुआ है उसमें मुखिया जी का सपोर्ट आपको मिलता है? जी मुखिया जी का सपोर्ट तो बात से हमेशा रहता है, और एक नल जल का कार्य मिला, हम बहुत प्रयास किए कि सर हमको एक काम दे दीजिए, कहते रह गए कार्यकाल बीत गया लेकिन सर काम नहीं मिला है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जो जनता है, अभी पंचायत की जो जनता है, क्योंकि आप पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, तो क्या संदेश देना चाहिएगा N20 लाइव के न्यूज़ की तरफ से? हम N20 लाइव के न्यूज़ की तरफ से हम सभी अपने लोगों को, जहाँ तक हम प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत के लोगों को, धन्यवाद देते हैं आपके तरफ से भी, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम आम जनता के लिए काम करते रहेंगे, और बहुत बहुत बधाई आपका भी जो आकर हमारे पंचायत में सर्वे किए और यहाँ से हमारे इंटरव्यू लिए। तो जैसा कि हम मौजूद थे वार्ड नंबर 6 में और मनोज राम जी से हमारी बात हुई,
ये तो इसे पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम एक वार्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए इनके पास आए थे। तो इनका कहना है कि विगत 5 वर्षों में जो 7 निश्चय योजना थी उसमें से केवल एक नल जल की योजना ही हमको मिला था, जिसको मैंने ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतार दिया। और कुछ गड़बड़ी के चलते पानी कहीं नहीं जाता, उसके लिए खेद है, लेकिन उसके कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, जल्द से जल्द उसको भी संपन्न कर लिया जाएगा। और रहा बात गरीबों का राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय, इसमें भी विगत 5 वर्षों में कार्य हुआ है। और वार्ड में जो समस्या है, इस समस्या को मैंने मुखिया जी तक पहुँचाया हूँ, और मुखिया जी बार बार हवाला देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन समय भी बीत चुका है और अब समस्या ज्यों का त्यों बनी हुई है। जनता को भी पता है कि मैंने आवाज़ उठाया था, और इनसे इनका अपील है जनता से भी कि जनता फिर से अगर हमको वोट देकर चुनाव जिताती है तो अगले कार्यकाल में निश्चित ही उनके समस्या का समाधान मैं खुद करूंगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।